हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एनटीपीसी की जो जॉब्स हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी इंक्रीज का जो सीन है, उसमें कई लोगों को डाउट है, कुछ मिथ है, मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। क्योंकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया था लेस देन 30,000, यहां पर तो वैकेंसी 35,000 आ रही है। तो ये है क्या चक्कर, ये मैं आप सभी को यहां पर क्लियरली बता देता हूं। तो देखो, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो यहां पर कहा गया था कि 1, 2, 3, ये जो स्टार्टिंग में तीन है, एनटीपीसी, पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, तो इनके लिए 30,000 जो है कंबाइंड वैकेंसीज थी। तो यहां पर ये अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नया नोटिफिकेशन आया आपका ऑफिशियल वाला, ओके, तो इसमें क्या है कि लगभग 35,000 के आसपास में केवल एनटीपीसी की वैकेंसीज आई हैं, और अभी इनकी जो है पोस्ट आनी बाकी है। तो आप ये यहाँ पर मान के चलें कि यहाँ पर जो पोस्ट ये इंक्रीज हुई हैं, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट आरआरबीज में इंक्रीज हुई हैं। वहाँ पर उस समय कुछ डिस्क्लोज ना किया गया हो, तो अभी हर एक आरआरबी ने अपनी वैकेंसी जब निकाली है तो उन्होंने बता दिया कि कितनी पोस्ट कहाँ पर कितनी रिक्रूट होने बाकी हैं, ठीक है। और एक चीज़ का आप ये ध्यान रखना कि जो ये न्यू नोटिफिकेशन ऑफिशियल, इसमें जो वैकेंसीज दी हैं यही आपकी फाइनल होंगी, ओके। और मे बी ये आगे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, प्लस माइनस हो सकती हैं, ये भी आरआरबी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने कह दिया है कि जो 12th लेवल की पोस्ट है और जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो लगभग हो जाती है वैकेंसी 35,277। यहाँ पर अगर 12th में मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन दो पोस्ट के लिए हैं, जिसमें आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 4,319, और एक आपका है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यह 4,940। ओके, इन दोनों के जॉब नेचर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या वर्क होता है अगर आप इसमें सेलेक्ट होकर आते हो तब, ओके। तो टोटल आप ये मान के चलो 12th वालों के लिए 10,628, और जो ग्रेजुएट लेवल है ये है 24,649, ठीक है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है वो ये पोस्ट तो भर सकते हैं, साथ में ये 12th वाली भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग करो। और यहाँ पर आप देखो, जो स्टेशन मास्टर है, इसके लिए पोस्ट है 6,865, तो यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आप अभी से लग जाओ, ठीक है। इसके बाद आप देखो गुड्स गार्ड है, इसमें वैकेंसी है 5,748, ठीक है। और जो एक है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये है 5,638, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो वैकेंसीज हैं, ओके, ये हर एक जोन में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूँ कि 19 जोन की वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप ये देखो हर एक जोन के अंदर कैटेगरी है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी SC ST, तो वहाँ पर ये पोस्ट डिवाइड होंगी, ठीक है। तो कंपटीशन तो अच्छा होगा, एक बंदा एक जोन को ही अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पोस्ट चाहिए तो आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो इसको आप डबल कर दो, अच्छी मेहनत करो और आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो जोन वाइज वैकेंसी, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आरआरबी अहमदाबाद का, तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, आरआरबी अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ ये स्टेशन मास्टर की, तो नंबर 2 की पोस्ट है स्टेशन मास्टर, ठीक है। स्टेशन मास्टर में जो टोटल पोस्ट है ये है 290 आरआरबी अहमदाबाद में। अब इस 290 में जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक बीकर सेक्शन, इनको दी गई है 26, ओबीसी इसमें है 53, और जो एसटी है ये है 8, और एससी है 26, और जो अनरिजर्व है ये है 177, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है इसमें इस तरीके से कैटेगराइजेशन दिया गया है, लेकिन अगर आप टोटल देखोगे तो इस आरआरबी में 1024 ही पोस्ट हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज और हर एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर एक आरआरबी को अगर एग्जामाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस आरआरबी में कौन सी पोस्ट के लिए जो है कितनी कितनी वैकेंसीज वहां पर खाली है, ओके। लेकिन आप ये माइंड सेट करके रख लो, देखो आप एक ही आरआरबी सेलेक्ट करोगे, आप ये देख लो कि जिस आरआरबी को आप सेलेक्ट कर पाओगे वहीं पर आपकी पोस्ट जो है लगेगी, ठीक है। तो आपको अगर एक जॉब चाहिए, मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि किसी आरआरबी में अगर बहुत ज़्यादा पोस्ट दे रखी हैं तो यार वहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वो उसी आरआरबी जोन में अप्लाई करते हैं। कई लोग तो मुंबई जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, इलाहाबाद एग्जाम देने जाएंगे। इसी वजह से मैं आपको कह दूं कि आप ये बिल्कुल मिथ मत बनाओ। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि एनटीपीसी की कट ऑफ क्या थी हर एक आरआरबीज में, लेकिन ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया, ओके, और उस समय पेपर का लेवल क्या आया और कितनी पोस्ट थी। तो कट ऑफ भी प्रीवियस सिनेरियो हो चुका है। अभी करंट चीज़ की बात करूँ तो केवल आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेबस के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, आपको सिलेबस मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है सिलेबस, तो सिलेबस आप एक बार देखो, उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस करनी चालू कर दो। मैक्सिमम प्रैक्टिस
कैन लीड यू, केवल आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वही आपको इस एग्जाम में लीड करके आएगी। और मैं कुछ टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट आएंगे, तो उनके लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको सोल्यूशन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे ऑनलाइन टेस्ट दें, क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अभी अप्लाई करो, और केवल आपको एक ही जॉब चाहिए तो अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपनी मेहनत डबल कर दो। और मैं चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं यार, आप सभी का मैक्सिमम सिलेक्शन हो। देखो अभी तो मैं आपको नोटिफिकेशन और सिलेबस मैंने बता दिया, अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे NTPC की बेसिक क्लासेस मैं कुछ पहले भी बना चुका हूँ, जिसमें हमने बोर्ड मॉस के बारे में बताया है, हमने आपको फ्रैक्शन बताया कैसे सॉल्व करना होता है, फ्रैक्शन के 2 एपिसोड अपलोड किए हैं। तो आप अगर इसको सर्च करोगे फ्रैक्शन बाय करंट अफेयर्स फंडा, बोर्ड मॉस रूल बाय करंट अफेयर्स फंडा, कोई भी क्वांट का टॉपिक है आप ऐसे सर्च करो बाय करंट अफेयर्स फंडा, जैसे आपने लिखा परसेंटेज, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। तो उनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो जो आपको सेलेक्टिव टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो अभी से आप अच्छी तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप जिस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर इतना लेवल आपका क्रिएट हो जाए कि एग्जाम देने से पहले आप उस जब आप फाइनल डे तक पहुंचो तो आपको हाँ लग जाए कि हाँ अब मैं प्रॉपरली रेडी हो चुका हूं और मैं इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा। तो कॉन्फिडेंस, जज्बा, जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप इसके एम्बिशियस बन जाएं और प्लानिंग करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो यही शुभकामना मेरी आप सभी के लिए, कुछ प्लेलिस्ट यहां पर आप सभी के लिए दे रहा हूं। तो यार आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लो, आपका ही यूट्यूब चैनल है, इसको आगे फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी बताओ जो आपके भाई बहन इस चैनल पर आए और अपनी तैयारी और स्ट्रांग करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।